फाइनली जी मंगलवार हो गया और पूरा जर्मनी और पूरा यूरोप खुल गया है छुट्टियों के बाद, इसलिए अब हम जा रहे हैं बिडिया की यूनिवर्सिटी फटाफट प्रायोरिटी पे उसके लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराने और जहां जहां पे हमने रजिस्टर किया था उसकी अकोमोडेशन के लिए वो सब फाइनल करने के लिए, क्योंकि जब तक अकोमोडेशन नहीं मिलेगी भैया तब तक ना उसका बैंक अकाउंट खुल सकता है ना उसका वीजा की एक्सटेंशन अप्लाई हो सकती है, क्योंकि वीजा भी सिर्फ 3 महीने का मिलता है, उसके बेस पे अप्लाई करना होता है। आगे मेन एड्रेस है, मेन एड्रेस एड्रेस सबसे पहले ऊपर वाले से दुआ है कि आज हो जाए, पर ये काम हो जाए ना, और आप लोग दुआ करें कि सारा कुछ आज हो जाए। सड़क पे भीड़ देख लो, ये पूरा शहर बाहर निकला है, लोग कह रहे हैं कि फुल्डा में चहल पहल नहीं है, है ना, डेड सा सिटी है, मगर भाई साहब दिल्ली बन गया। ये तो 9 बजे का जी ओपनिंग टाइम है और हम 8:45 निकल गए हैं, क्योंकि उम्मीद है कि छुट्टियों के बाद हो सकता है लाइनें भी लग जाए। सबसे पहले हमने जाना है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस की तरफ, क्योंकि उसी बिल्डिंग में हमें पता लगा है कि कुछ अकोमोडेशन वालों के ऑफिसेज भी हैं, तो वहां भी हम फटाफट जाके रजिस्टर कर लेंगे और रेट वेट पता करके सारा प्रोसेस जान के आपको भी बताते हैं। बाकी वेदर फोरकास्ट में आज रेन दिखा नहीं रहा था, मगर थोड़ी थोड़ी फुहार फिर भी हो रही है आज, तो फोरकास्ट का भी यहाँ पे कोई एक्यूरेट भरोसा नहीं है, मुझे लगता थोड़ी वाइब यहाँ पे हिल स्टेशन वाली है। देखो मैं कितना गैप बना के गया साइकिल से, ये रूल होता है यहाँ पे, आप बिल्कुल साइकिल वाले के साथ से शाएं करके नहीं निकाल सकते, और अगर आपको रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है तो आप वेट करोगे जब तक आपके सामने से लेन क्लियर नहीं होती, तब तक मैं इसको ओवरटेक नहीं कर सकता, अब भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा रूल है, बहुत अच्छा, क्योंकि साइकिल वालों की सेफ्टी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है पेडेस्ट्रियन और साइकिल वालों के लिए। अब यहाँ से मैं इसको पूरा गैप दूंगा और अब यहाँ से थोड़ा सा बेशक मुझे रॉन्ग साइड जाना पड़े तब जाऊंगा, क्योंकि मेरी साइड क्लियर आगे से रॉन्ग साइड जा सकता। अब यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं बैठा हुआ देखने के लिए, मगर शुरू से ही लोगों के अंदर जो है ना ये फीड करी होती है चीजें। भैया थोड़ा सा जो है ना टाइम से फ्री हो गए, इन्होंने कहा चल वॉकिंग पे ना एक छोटी ग्रोसरी है, मैं जरा जाके अंडे वंडे ले आता हूँ, ऑमलेट शॉमलेट बना लेंगे नाश्ते के लिए। भैया वहां गए, मेरे को फोन आया, मनी यार 10 अंडे 17 यूरो के मिल रहे हैं। मैं कहा यार ये तो वाकई बहुत ज्यादा महंगे हो गए। उन्होंने कहा ये यहाँ पे जेन्युइनली यही रेट होता है क्या, ले लूं? मैंने कहा भैया इस हिसाब से तो 1.6 यूरो का एक अंडा तो 150 यूरो के आसपास का अंडा हो गया। मैंने कहा इतना महंगा नहीं होगा, हो सकता है ऑर्गेनिक हो या क्या हो, मगर क्योंकि जल्दबाजी थी तो मैंने उनको वापस बुला लिया। मैंने कहा आप आ जाओ यहाँ एलडी करके या लिडल करके जो बजट वाले स्टोर होते हैं वहां जाके देख लेंगे कि भाई असल में क्या रेट है, क्योंकि इतना महंगा अंडा तो अपने को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर स्टूडेंट हाउसिंग ब्लॉक के अंदर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, मेरे ख्याल से 20 मिनट की फ्री थी, पर हमने कहा चल अब सड़क से ढूंढ के कहाँ जाएंगे, अभी थोड़ा सा इमरजेंसी सिचुएशन है कि फटाफट चल जाएंगे, बाय चांस वहाँ लाइन लग रही हो, क्योंकि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवानी है जिसके बाद ही सारे काम होंगे और यहीं पे इसको जो उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड भी होपफुली मिल जाएगा। अब यूनिवर्सिटी की फीस तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फीस होती है, कोई ट्यूशन फीस नहीं है, मगर एक सेमेस्टर फीस देनी पड़ती है जो कि 330 यूरो के आसपास होती है। क्या जी? सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन। और अब उसके अंदर इसको ऑलरेडी यहाँ आके एक ऐसी टिकट मिल गई है जिसके अंदर की पूरे जर्मनी का, हमें तो लग रहा था शायद स्टेट का होगा, मगर कह रही है पूरे जर्मनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री हो गया जब तक ये स्टूडेंट है। मतलब इनकी फ्रैंकफर्ट से यहाँ तक आने की टिकट ही 40 यूरोस की पड़ गई थी, कुछ एक ट्रेन उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, मगर आईसी ट्रेन जो है वो इंक्लूड है इसके अंदर। 1 पर्सन अराउंड 40 यूरोस की टिकट थी जो कि वन साइड, हाँ, जो कि अब समझ लो कि अब इसकी 3.5 हर सेमेस्टर के लिए फ्री होती रहेगी, सेमेस्टर की जो 30,000 रुपए के करीब सेमेस्टर फीस गई है उसके अंदर आ गई। जर्मनी की जी वो फुल्डा यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मेरी भतीजी का एडमिशन हुआ है और ये फ्री में यहाँ पे पढ़ने आई है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मैंने बार बार बोला है यहाँ पे जर्मनी में फ्री पढ़ सकते हैं। इसकी आज से रजिस्ट्रेशन वाला सारा प्रोसेस शुरू हुआ, 3 दिन से जर्मनी में ईस्टर हॉलीडेज की छुट्टी चल रही थी इसलिए हम कुछ करा नहीं पाए, आज इसकी रजिस्ट्रेशन और वो सारा का सारा प्रोसेस जो कि अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से या फॉर दैट मैटर दुनिया में कहीं और से भी आता है फ्री में पढ़ने के लिए जर्मनी में तो उसको क्या क्या करना होता है, आज वो प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक कंप्लीट प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन के साथ एक वीडियो बनाएंगे कि अगर आपकी फैमिली से भी कोई पढ़ने आना चाहे तो कैसे आ सकता है। चलो लाइब्रेरी, चलो स्टूडेंट सेंटर।
तो जी स्टूडेंट सेंटर में आके रक्षिता की जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, क्योंकि फीस भरी थी तो जो उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है वो भी उसको मिल गया है, और इस कार्ड के साथ ही सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। मगर इस कार्ड के लिए अभी उन्होंने एड्रेस नहीं मांगा, मगर चाहे बैंक अकाउंट खुलवाना हो, चाहे सिम लेना हो, या और कोई भी एक्टिविटी करनी हो, तो उसके लिए एड्रेस चाहिए, और एड्रेस ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और अब हम जा रहे हैं अकोमोडेशन ढूंढने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो सेंटर है वहाँ पर, थोड़ी सी हेल्प मांगने के लिए कि भाई हमारी सिचुएशन ये है, हमने जाना है, बिटिया आ गई है, कुछ अकोमोडेशन में थोड़ी सी मदद करो। बाकी जी अली भाई हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, सर ने पीछे से हम गए हुए थे सारी R&D करके इस जगह, एक दो फ़ोन करके एक लेडी से बात भी कर ली जिनकी स्टूडेंट अकोमोडेशन है, बस अब वो ये है कि उन्होंने बुलाया है कि आप, मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे वो ये कह रही हैं कि क्योंकि एक स्टूडेंट खाली करके जा रही है, और जब तक टेनेंट की परमिशन नहीं ले सकते, ओनर भी उस प्रॉपर्टी में नहीं जा सकता, क्योंकि ये सेफ्टी के और इंश्योरेंस के भी रूल होते हैं कि भाई, और प्राइवेसी भी बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कि ऐसे नहीं है मकान मालिक के पास पैरेलल चाबी पड़ी है कभी भी इंस्पेक्शन के लिए, दरवाजा खोल के अंदर घुस जाएगा, तो उससे परमिशन लेंगे व्यूइंग के लिए, वो ओके करेंगे तो फिर हम जाएंगे। उसका रेट वगैरह भी हमें ठीक लगा है, अभी हम बस वेट करें इंटरनेशनल ऑफिस खुलने की। और सर क्योंकि साथ में तो कहीं पर लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम है, फटाफट जर्मनी में बोल के सारी अरेंजमेंट कराते हैं। सर मजा आ गया, बहुत बहुत बढ़िया हेल्प हो रही है सर हमारी। बाबा थैंक यू, शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? नहीं 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 सर, मेरे को कमेंट सेक्शन में भी जब हमने आपके साथ पहले वीडियो डाले तो यही कमेंट आ रहे थे कि मोहित जी आपकी सारी जिंदगी की सारे काम की कमाई ही यही है कि आपसे प्यार करने वाले इतने हैं कि आप मदद मांगते हो तो लोग पूरे दिल से खुली बाजुओं से जो है मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, तो ये हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है सर, लोगों का प्यार है। प्यार है वो जो आप कहते हैं ना लविंग सब्सक्राइबर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो है ये बात। और अगर सब्सक्राइबर आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो सब्सक्राइबर हैं किस काम के? ये देखो किस काम के सब्सक्राइबर है लोग सब। हम तो ये कहते हैं कि भाई सब्सक्राइबर जिंदगी में सबसे कीमती चीज जो कि टाइम है वो देते हैं हमें, हमारे लिए तो वही सबसे बड़ी बात है। बाकी हम तो चलो अभी वीडियोस बना रहे हैं कि भाई फुल्डा में आके कि आप कैसे एडमिशन, मगर अगर आपके यहाँ से कोई आता है और इसी शहर में और जर्मनी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो सर का चैनल है अली सुलेमान व्लॉग्स, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा, ये यहाँ पे लाइफ जनरली एक्सपेंसेस कैसे ओवरऑल रहना क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की सर हेल्प कर चुके हैं आउट ऑफ शीर नाइसनेस, तो इसीलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन इनके व्लॉग चैनल पे भी अवेलेबल है कि भाई अगर आप आके यहाँ पे रहना, क्योंकि जो हमारा तो काम है पहला स्टेप पहुंचना और सेट होना, उसके बाद के आगे की सारी पिक्चर इनके चैनल पे। बाकी सर ये कह रहे हैं देखो मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा कि आप मेरे चैनल का नाम मेंशन करो, मैं कल करने भी लगा था तो उन्होंने काट के कह दिया नहीं नहीं आप मत करो, कि किसी को ये ना लगे कि भाई ये कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है और सर मेरी हेल्प करने इसलिए आए हैं क्योंकि इनका भी चैनल है। मगर मैंने ज़बरदस्ती, मैंने देखा मुझे पता है वो हेल्पफुल है इसलिए मेंशन करूं, सर मैंने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी क्योंकि लोग कई बार जो है ना बैकलैश अननेसेसरी आ जाता है, और मेरी इतने प्यार से कोई मदद करना है मेरे लिए भी सिचुएशन एम्बैरेसिंग हो जाती है आउट ऑफ प्योर शेयर नाइसनेस। बाकी लोग ये भी कहते हैं कि आप एक्सप्लेनेशन क्यों देते हो, ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी हो जाती है। मैंने ये भी नोट किया कि आपने कुछ चीज़ें आपने भी मुझे कही हैं कि आप डिटेल में वीडियो बनाओ ताकि जो स्टूडेंट्स अभी आने वाले हैं उनको हेल्प मिल जाए। तो अब जी हमने आके यहाँ पे जितने भी क्लासिफाइड है ना सबकी फोटो वगैरह ले ली है ताकि जो है इनको हम कॉल कर सके, अब इंटरनेशनल ऑफिस में जा रहे हैं। इंटरनेशनल ऑफिस, इंटरनेशनल ऑफिस के अंदर हम हुआ है। पहली चीज़ मैं ये क्लैरिफाई कर दूँ कि अगर आपको जर्मन बिल्कुल भी नहीं आती तो जो स्टूडेंट सेंटर का स्टाफ और इंटरनेशनल स्टूडेंट वाले ये सारे इंग्लिश बोल सकते हैं, तो सर हमारे साथ है तो थोड़ी सी कन्वीनियंस हो जाती है, वो जर्मन में बात करें तो फ्लुएंटली समझा पाते हैं। अब स्टूडेंट ऑफिस में गए तो उनके पास ना एक पेपर पड़ा हुआ था जिसके ऊपर कहते थे कि ये दो तीन शॉर्ट शॉट तो अवेलेबल ही हैं, सिर्फ दो लिस्टिंग थी, एक 550 यूरो की फर्निश वाली, अनफर्निश 350 की। मैंने कहा अनफर्निश वाली देख लो क्योंकि वो पास में भी है, मतलब 500 मीटर की ही वॉक है, और फर्नीचर आई की ऐसा ला के पटकना, हमने गाड़ी रेंट तो करी हुई है तो कोई इतना मुश्किल नहीं आएगा। मैंने कहा 30-35 हज़ार रुपये में सारा फर्नीचर आ जाएगा तो वो आप कंसिडर करो, मगर सिचुएशन अभी ये है कि ये डायरेक्टली जो है ना किसी भी जो यहाँ पे कंपनीज हैं या बिजनेसेस हैं जो स्टूडेंट रेंटल चलाते हैं, जैसे स्टूडेंट गीजन करके मेरे ख्याल से एक है जिसके मल्टीपल अकोमोडेशंस हैं शहर के अंदर, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट वाले ही हैं और उनके ऑफिसेस का लिखा तो हुआ था यहाँ पे, मगर हमको उनका कोई बंदा मिला नहीं, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा ये काम होता है कि भाई ये नंबर और डिटेल दे देते हैं कि आप इनसे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लो, और अगर वहाँ पे कोई जर्मन बोलने वाला ना हो तो ये उनके बिहाफ पे ट्रांसलेट करके आपके लिए एटलीस्ट व्यूइंग बुक करा देते हैं। पर क्योंकि हमारे साथ अली भाई हैं तो वो डायरेक्टली फ़ोन कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें एटलीस्ट जो 350 वाला अगर उसकी व्यूइंग मिल जाए तो हम जाएं देखें सारी कंडीशन समझ लें, क्योंकि उसकी लोकेशन बहुत बड़ी है, सिर्फ 400 मीटर दूर है यहाँ से।
यहाँ पे लिखा हुआ जी कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं और कौन से जर्मन में। डी ई तो जर्मन हो गई, बाकी इंग्लिश के अंदर भी हैं ठीक ठाक, मगर ये डिटेल सारी खैर इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल। यूनिवर्सिटी की हाउसिंग के अंदर ही ना हमें इनका वाला बोर्ड दिख गया, क्योंकि ये जो है ना इनके पास बिल्डिंग शहर में बहुत ज्यादा है स्टूडेंट अकोमोडेशन। आवर भी वर्किंग दिख रहे हैं, देखते हैं अंदर जाके अगर खुला हो। यहाँ भी लिखा मगर ये 14 अप्रैल तक बंद है यार। एक भाई साहब मिले हमें यहीं घूमते घूमते, क्योंकि खुल गया ना ऑफिस तो हम यहीं पे रूम ढूंढने आए थे, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब जी यूनिवर्सिटी के ना कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बिल्डिंग है, मगर ये यूनिवर्सिटी की अपनी बिल्डिंग स्टूडेंट अकोमोडेशन है, मगर यूनिवर्सिटी की नहीं है, कोई प्राइवेट बॉडी जो है वो इसको मैनेज करती है। ठीक है, ये कॉमन एरिया किचन, बेडरूम, बाथरूम, कॉमन एरिया 320 का रेंट है। और वो स्टूडेंट गीजन वाले नहीं है, ये उसके साथ वैसी ही दूसरी कंपनी है, उनके ऑफिस के बाहर खड़े हुए, तो इनका बंदा आ गया तो हमारी मीटिंग हो गई क्योंकि उनको ऑफिस बंद था। तो ये दूसरी ये कंपनी है प्राइवेट जो स्टूडेंट अकोमोडेशन मैनेज करती है, अगेन यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स के अंदर, और रेट 320 यूरो आ रहा है शेयरिंग वाले में। यहाँ पे एक लेडी और है जो इस अपार्टमेंट में रहती है, मतलब उस रूम में 2 बेडरूम शेयरिंग है। बाकी 320 के अंदर रेंट, पानी और इंटरनेट, ये सारी चीजें इंक्लूडेड। अब हम जा रहे हैं जी फाइनल बात करने के लिए, ये आगे क्या डिस्कशन होती है, इनकी कंडीशंस क्या है। मैंने ये बोला बाय चांस रूममेट के साथ नहीं बनती है कुछ भी है, तो 2 क्वेश्चन मेन पूछो। पहला ये कि भैया मिनिमम कमिटमेंट कितनी है, कि कितने महीने के हम पैसे दे रहे हैं, और दूसरा सीन ये है कि अगर छोड़ के जाना तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम नोटिस पीरियड कितना है। ये जो स्टूडेंट सामान छोड़ जाते हैं ना उनके अंदर कुछ बचा हुआ पड़ा, कह रहे हैं अगर आपको कुछ चाहिए तो ले जाओ इसमें से। अच्छी भी पड़ी है छोड़ेंगे, इसमें भी रिबन बंधा हुआ भी है। अरे ये एक तो स्पीकर नहीं है, सीपीयू है, कंप्यूटर है भाई, ये पंखा जरूर रखवा ना, गर्मी में पंखा काम आ रहा भाई जी। चीज तो लगता है कुछ ना कुछ समझ आ गई है, मगर डिटेल आगे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ एक बार फाइनल हो जाए, क्योंकि वो काम कल होगा। फाइनली जी हमने जगह एक शॉर्ट लिस्ट कर ली है, फाइनल वो कल होगी, मगर उसका वो ये है कंडीशन कि वो अभी रेनोवेट हो रहा है फ्रेशली और यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, मगर उसको रेडी होने में टाइम लगेगा 15 अप्रैल तक, और इसकी क्लासेस 8 तारीख से शुरू हो रही है, तो हमको क्या अरेंजमेंट करनी पड़ेगी बीच में वो देखना पड़ेगा, मगर उसका प्राइस और जिस तरीके से वो उसको बना रहे हैं ये सारी डील जो है ना बहुत ही बढ़िया लग रही थी, क्योंकि अभी रक्षिता की एक फ्रेंड है जो आई है जो 370 सर पे कर रही है, और वो यहाँ से 15 मिनट की वॉक पे है, और वो 5 लोगों के साथ शेयरिंग में है, और 3-4 लोगों के साथ उसका बाथरूम शेयर होगा। अब जी जो ये अकोमोडेशन है ना इनकी कंडीशन ये है कि 6 महीने के लिए आपको मिनिमम कमिटमेंट करनी है एक सेमेस्टर की, और छोड़ने से पहले आपको 3 महीने का नोटिस देना है। अब अगर आप किसी के साथ रह रहे हो शेयरिंग में तो बंदा कहे यार मैं फंस ना जाऊं, मुझे वो बंदा ना समझ आए, उस केस में वो प्रॉब्लम हो सकती है, मगर अगर आपने इंडिविजुअली अकेले सिंगल यूनिट लेके रहनी हो तो फिर तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एक सेमेस्टर तो चलता ही है। बाकी यहाँ पे आके एक सेमेस्टर में बंदा पहले में चांस लेके बाकी सारी चीजें देख सकता है। अब इंडिया से बहुत लोग ऑलरेडी देख के कंफर्म करके आते हैं, क्योंकि भाई हर किसी की फैमिली नहीं आ सकती साथ में, क्योंकि एक्सपेंस भी बहुत होता है सबके आने का, तो इसीलिए जिसको जो अपनी हिसाब से बेस्ट जगह मिल जाती है वो कर लेते हैं कि भाई आके सीधा हमारे पास ठिया ठिकाना हो, नहीं तो मेरी प्रेफरेंस ये थी कि हम साथ जा ही रहे हैं तो हम ऐसी चीज देखें कि भाई हम अपनी आंखों के सामने देख के फिर 3-4 ऑप्शंस में से कोई एक फाइनल करें, हमारे पास टाइम की लिबर्टी थी, तो इसलिए भैया जिसका जो दाव लग जाए वो उसके लिए ठीक है। अब जी हम आए हैं एलडी, वन ऑफ द रीजनेबल ग्रोसरीज, और भैया आप जरा चेक करते हैं जाके कि अंडों का रेट है यार 1.7 यूरो पर अंडा तो नहीं है कहीं, डर ही गया अंडे खोने ही पड़े मिलेंगे इतने महंगे होंगे नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है यार। अरे तो बेबी वाली है यार, इसका भी टाइम नहीं है, ओ सिक्का डालना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं खुलती नहीं है, इसमें सिक्का डाल के निकालते हैं, होता क्या है आप इसमें सिक्का डालोगे तो ये आगे वाली अनलॉक होगी, उस चक्कर में ना लोग सिक्का अपना वापस लेने के लिए वापस यहाँ लगा जाते हैं, इनको बंदा नहीं रखना पड़ता कार्ड्स अरेंज करने के लिए, वरना लोग अपनी गाड़ियों के पास कहीं भी छोड़ जाते हैं ना। अच्छा। जैसे उस बंदे ने गाड़ी खाली में कार्ड खाली करी, समझ रहे हो, अब वो वहीं छोड़ जाएगा कार्ड, इसको सामने वाली कार्ड में डालोगे और सिक्का यहाँ से बाहर निकल आएगा। अच्छा मतलब वो रिफंडेबल हो गया, रिफंडेबल डिपॉजिट है। और सबसे पहले अंडे ही थे,
भैया वहाँ हमने देखा था रेट तकरीबन 300 रुपए 250 रुपए किलो, यहाँ पे क्या पड़ रहा है? ये तो सस्ता है यार। ये वाले यार रेट तो सही लगा हुआ यार, ग्लोबल से भी सस्ता है फिर इसका। ब्रेड तो जी देखो नॉर्मल यहाँ पे लग रही है 70 सेंट 90 सेंट डिपेंडिंग कौन सी ले रहे हो। टमाटर है जी 2.15 पर केजी। फरीदाबाद क्या रेट है भैया? वहाँ चल रहे होंगे इस समय 50 रुपए किलो 40 रुपए किलो। यहाँ हो गए 200 रुपए किलो। भाई जगह भी तो महंगी है। ये यहाँ के हिसाब से ठीक रेट है, मैं बता रहा हूँ सब्जियाँ महंगी है, पर जर्मनी में कनाडा जितनी महंगी नहीं होनी चाहिए। ये 1.9 का एक अंडा है, सबसे सस्ते कहाँ है? ये एक अंडे का रेट है क्या? नहीं भैया ये क्रेट का रेट है। इस पे रेट लिखा है 16.4। ये कुछ और है, ये परसेंटेज है कोई और, ये रेट होगा भैया क्रेट का? एक अंडे का रेट थोड़ी हो सकता है 250 रुपए। फिर आप कुछ आपको लगा होगा ये रेट है ये, मगर है कुछ और, ये यूरो नहीं है। 16.04 लिखा हुआ है इस पे भी, 5.04 लिखा हुआ है। ये क्या मतलब है? इसको जरा ट्रांसलेट करके देखते हैं इसका मतलब क्या है। 16.04 दोनों पे लिखा हुआ, इसको ट्रांसलेट करते हैं। बच गए भैया बच गए, ये बेस्ट बिफोर डेट है 16.4। जी लैंग्वेज ना आने का थोड़ा सा और जल्दबाजी में ये होता है कि भैया फटाफट कोई चीज लेनी है जाना है करना है। दूध ले लिया हमने 89 सेंट्स का मिल रहा है 1.5 लीटर फैट 1.5% वाला।